आज एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और आज हालत बिल्कुल नहीं है और हमारी हालत ख़राब है, लेकिन गाड़ी की हालत ठीक है। हर दिन से साफ करने वाला नहीं आया था और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी भैया तबीयत हो चुकी है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब। हुआ ये कि एक दिन घर में कोई मेहमान आया हुआ था हमारा, और जो कि लोगों को हम बुलाना पर्सनली पसंद नहीं करते हैं, उसकी खातिरदारी के चक्कर में एसी चला दिया और काफ़ी देर एसी में बैठा रहा मैं। फिर एसी में बैठने के बाद की हालत आप देख ही रहे हो कि आपके भाई की हालत कैसी हो चुकी है। दो दिन हो गए, दो दिन से बिल्कुल भी जिम नहीं गए और कोई वर्कआउट नहीं करा है। या तो ये लगा लो कि मेरी किस्मत ख़राब है, हर बार यही होता है। जैसे मैं अपना वेट 80 के पार करने की सोचता हूँ तब ऑटोमेटिकली तबीयत खराब हो जाती है। हर बार का सेम है, हर बार। मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूँ, बस मैं फिट रहने के लिए और अच्छा हमेशा बस मैं फिट रहने के लिए और खाली रोड पड़ा है, पता नहीं कहाँ उड़ के जाएगा। पै 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 उड़ा दूँ। हाँ, तो देखा ऐसे लोगों को ऐसे ट्रीट करना होता है, अब नहीं मार रहा ना। और सो मेरी आंखों से आपको दिख रहा होगा कि जनरली मेरी हालत खराब है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई हमने डिसाइड कर रखा था काफ़ी टाइम से कि मैं थोड़ा सा आर्म रेसलिंग करूँगा, सीखूँगा। तो देखो अभी मुझे आर्म रेसलिंग की बिल्कुल जीरो नॉलेज है, बस मैंने आज तक 4-5 बार जो भी अभी कभी कोई बॉडी देख के बोल देता है कि चल यार आ जा कर लेते हैं, तो मुझे इतना पता है कि जो बंदा जो बंदा नॉर्मल है चाहे वो कितना ही तगड़ा हो और जो आर्म रेसलिंग नहीं करता है तो उसको एक अच्छी खासी टक्कर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि बचपन से वर्कआउट करते आ रहे हैं और थोड़ी सी नेचुरली स्ट्रेंथ है अच्छी। तो मैंने डिसाइड करा है कि यार चलो आर्म रेसलिंग को थोड़ा सा प्रोफेशनली सीखा जाए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं उस पर। तो ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने भाई के पास, रोहित शरण, तो चलते हैं वहाँ, कुछ टिप्स लेते हैं और उसके बाद अपनी आर्म रेसलिंग चेक करते हैं कि कितनी जान है नॉर्मली। ये लॉन्डो का सेम सीन होता है, जिसका घर पहले बढ़ता है वो आता है और फिर सबको पिक करते हुए लेके जाता है। तो अभी एक अपना भाई है जो कि साथ में वर्कआउट करने वाला है, उसको पिक करते हैं यहाँ से। भाई आर्म रेसलिंग सिखानी आज? चलो भाई, चलो रेस लगा रहे हो? हमारी वैसे ही दो डंडे पेट्रोल है भाई, हमें नहीं भगानी। गाइस अभी आके मैंने देखा कि कुछ नए आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो मुझे ये वाली टी शर्ट काफी ज्यादा फेवरेट लग रही है। और वैसे तो मैंने ऑलरेडी यही ब्रांड पहना हुआ है एनवाई के, यहाँ पे हमारा लोअर भी वही है एनवाई के, बट अब मैं सोच रहा हूँ ब्लैक पहनते हुए काफ़ी दिन हो गया है, न्यू आर्टिकल आ चुका है। गाइस ये है सप्लीमेंट स्टोर, तो मेरे जितने भी सप्लीमेंट आते हैं सारे यहीं से आते हैं। और ये वाली टी शर्ट, ये जो नया आर्टिकल आया है, जो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने डिसाइड करा है कि अभी ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो क्लोथिंग स्टोर है वो है ऊपर, तो ऊपर चलते हैं और अपने नए आर्टिकल चेक करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहना ही हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि नया दिखता तो भाई नए की तो अलग ही खुशी होती है। चीज मार्गरिटा, हाँ ठीक है, जो आ रहा है वो खिलाएगा ना पिज्जा? पिज्जा ऑर्डर कर देना कुछ को पहले, टाइम लगेगा ना शुरू। भाई वैसे तुम्हें किस किस पे लगा रहे हो तुम, किस कौन लगता है कौन जीतेगा? भाई पहले पिज्जा ऑर्डर करने दे भाई, उससे पहले कोई मैच नहीं होगा। मार्गरिटा चीज बस करेक्ट खाएगा मेरे साथ है, गाली ब्रेड। हाँ बिल्कुल, काफ तो चाहिए, फ्री का आ रहा है अच्छा तीन मैच होंगे, चंचल तो कह रहा है एक ही ठीक है। दिख रिप नहीं,
ग्रिप नहीं, रेडी गो फास्ट अटैक। हां बोनस खेलता है ना, अपनी ग्रिप लेगा ना, हाथ ऊपर लाएगा, सामने की उंगली ऊपर जा रही, जान दो मैं बहुत पर सेटिस्फाई। बिना स्टेप के मार सकते हैं इसको, इतना सही है, आराम से मार सकते हैं, इतना सही है। और ये पिज्जा आते हुए राघव की खुशी देखो एक बार। रेडी गो विनर। भाई एक चीज बताओ, इसका हाथ लंबा है मुझसे, तो इसको हराने के लिए क्या करा जाए, कोई टिप्स? इसका हाथ लंबा है, क्या करा जाए? हाँ। आओ टिप्स देते हैं आज। तो देखा जाए तो हिमांशु का हाथ मेरे से भी लंबा ही है थोड़ा। तो अब ऐसे में क्या होता है, लंबे हाथ में का जो हाथ होता है ना, वो क्या करता जाता है, राइजिंग मारते हैं, टॉप रोल मार दिया आपको आसान से। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपना थंब उसके हाथ पे जितना ऊपर रख सको ना, उतना ऊपर रख के बाहर रखना है, ठीक है? दूसरा, आपकी उंगलियां उसका जितना आप ला सको ना, रैप कर सको, उतना रैप करना है। तो आपको उंगली लानी उसके हाथ में यहाँ तक, हम निकाला बाहर, थंब पूरा बाहर है। अब करना है इसका हाथ कंटेन, कि टॉप रोल ना मार पाई मेरे को। तो कंटेन के इसके हाथ पे उंगलियां रैप करनी है जितनी ज़्यादा कर पाऊँ, ठीक है? अब मार भाई टॉप रोल, क्या हुआ, हो गया ना टॉप रोल फेल? आप क्या खेलते हो, यहाँ खेलते हो, अब मार टॉप रोल। एक सेकेंड में मार गया मेरे को भी, किया कंटेन, हल्का सा पीछे खींच लो, हाँ भाई गया टॉप रोल। तो बस इतना सा गेम है ये, छोटी छोटी गलतियां करके ना आप मैच हारते हो, छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करोगे तो आप मैच आराम से जीत जाओगे। हाथ कंटेन करो, दबा लो, गेम खत्म। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस वहां से निकल के मैं आ चुका हूँ सीधा मम्मी के साथ सामान लेने, और मेरी तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, पर उसके बाद भी मम्मी मुझे लेके आ गई। मम्मी आपको यार शर्म वरम नहीं आती है थोड़ी सी? जो आए शर्म, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, गलत बात है आपकी ये। शर्म क्यों? मतलब मैंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, कल चल देना घर का सामान ले। तो घर का सामान, एक बात बताओ, हर चीज के लिए मेरे को पैदा कर रखा मैं इस घर का? तबीयत खराब नहीं रहती? हाँ नहीं, मैं इस घर का नौकर हूँ या मैं इस घर का रामू हूँ, मैं क्या हूँ? रामू ना रामू है, मतलब नौकर है, इसलिए इस घर में और नहीं रहते, और भी लोग हैं। इसलिए ये तो भाई देखो, ये सभी मम्मी कैमरा के लिए बहाने मारती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बात ये है कि घर के अंदर सारे के सारे काम चोर हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा भी। तो भाई कोई कुछ भी नहीं लेके आता है, सारी चीजें काम का, मेरा बेटा ये किया काम का। अब तारीफ तो देखो मम्मी करनी पड़ती है मजबूरी में। मजबूरी क्या बात है, करता है मेरा काम सारा, करता है। सुबह से सामान नहीं करी तो आकाश नहीं आया, तेरे पापा नहीं आया, आखिरकार मेरा आर्य नहीं काम आया मेरे। So guys, आज तो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, शायद पार्किंग मिले नहीं मिले कुछ कह नहीं सकते, बट हम यहाँ लगा देते ना पार्किंग, हमें इतनी भड़क क्यों लेनी। चलो आगे लगा के देख लेते हैं, आगे भी कहीं गाड़ी है, पर इतनी जगह नहीं है जहाँ अपनी गाड़ी आ जाएगी। है आगे होगी ये रही ना मम्मी। आज तो भाई अच्छी खासी भीड़ मिलने वाली है, और उससे पहले कार पार्क कर दें, पार्क कर दोगे मम्मी आप? हाँ। तो भाई आज हमारा तीसरा मेंबर नहीं आया है, उसको मम्मी ने आप शब्द कह दिए कुछ और वो गुस्सा हो गया। भाई जो नीचे वो खेल रहा था क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा था, बोला तू सड़ा पड़ा है रहने दे चिड़गा फिर। अब इस बात को देखेगा कि इसको अपन ने ऑनलाइन भी डाल दिया तो और वो चिढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा चिढ़ेगा, बहुत ज्यादा। वो मजाक की बात होती है। चलो गाइस फटाफट घर का सामान लेते हैं, भाई मेरी जिंदगी तो निकल गई है। तो देखो जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी ना, सारे काम आते हैं मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल, नहीं है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे मेरे घर वालों को बस चले तो मेरी शादी जल्दी करवा दें, है ना मम्मी? सही बात है ना, शादी तो पता नहीं कब की हो जाती। और भाई आज फिर से मेरे फटका लगने वाला है थोड़ा सा पैसों का, देखते क्या क्या सामान लेना आज। मम्मी ने आती सबसे पहले उठाया यहाँ पे पार्ले जी। मम्मी पार्ले जी इतना क्यों पसंद है आपको? आकाश को पसंद है। आकाश को पसंद है, बट उससे तो आपकी लड़ाई होगी ना? लड़ाई होगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलो एक मुझे देखने में अच्छा लग रहा है तो इसको खा के ट्राई करेंगे कि ये कैसा है। एक तो ले सकता हूँ मैं, कभी कभी तो दूध के साथ खाता हूँ। हमने एक लीटर के दो लिए, क्योंकि मम्मी का कहना है अभी तेल बचा हुआ है ना मम्मी? तेल कम से कम 3 किलो तेल बच रहा है, तो बस तो फिर एक्स्ट्रा लेने का क्या है, आगे और चीज़ें देख लेते हैं।
भाई सामान लेना है तो अपनी डाइट का सामान कैसे हम मिस कर सकते हैं। मम्मी अपन पैकेट भी तो ले सकते हैं, पैकेट क्यों नहीं लेंगे भाई। मम्मी का कहना है पैकेट वाली अच्छी नहीं होती, खुली थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, मतलब 87 रुपीज़ पर केजी है और ये है 107 रुपये, यानी कि मम्मी यहाँ पे पैसे बचाती हुई। अच्छा हवा लगती रहती है, आपको तो बहुत नॉलेज है मम्मी। तो भाई जब भी मैं आता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपने ओट्स दिखते हैं। और आज हम लेने वाले हैं इसके साथ में एक छोटा हनी। तो भाई मम्मी की डिमांड हो गई है मिक्सर ग्राइंडर की, क्योंकि पुराने वाला ख़राब हो चुका है और मम्मी कह रही ठीक करवा करवा के, मम्मी ने दो बार ही ठीक करवाया और कह रही अब ठीक नहीं करवाना, नया लेना है। इसीलिए लेके आई हो आप, मुझे आप समझ आई हो आपकी बातें, यही तो इंतजार देख रही थी। और सबसे महंगे वाले पे हाथ रखती है, ये नहीं, ये सस्ती से ले लो, ये कौन सी है, ये ले लो यार, ये 1600 रुपए की ले लो, ये काम चला भी तो चाहिए। 1600 रुपए काम चला हुआ है और क्या, काम चला हुआ नहीं, नमकीन ले लेंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया मम्मी ने और भाई ये मम्मी ने गैस स्टोव ले लिया, कुकर ले लिया। बहुत पैसा खर्च कराती हो, तो मम्मी का कहने का मतलब था कि मम्मी को सिर्फ दो वाला ही चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए था ना मम्मी, बड़ा तो है अपने पास। तो भाई देखो मम्मी ने यहाँ पे चूना लगा दिया 12-13 हज़ार का, ऐसी लूटते हैं मुझे, यही तो कारण था तेरे साथ लेने का। अच्छा यही कारण था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड गाइस मेरी हालत देखो, और मेरी हालत देख के आपको समझ आ जाएगा कि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है, इवन ब्लॉग शूट करने की भी नहीं है क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल तरस नहीं आया मेरे ऊपर और बिल्कुल ड्रामे कर रही है, कोई ड्रामा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो पार्किंग एरिया पूरा खाली हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है हमें शॉपिंग करते हुए और अब मेरी हालत ऐसी हो रही है कि बस मैं मरने वाला हूँ थोड़ी देर में। हट जाओ, सामान पूरा पैक हो गया और ये भी मेरी बेवफा माँ, बिल्कुल भी अपने बच्चे पर तरस नहीं आता। आज पूरा दिन से बाहर था, जिम में नहीं गया, लेकिन इनको सामान चाहिए और एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि ये भूखे मर रहे हैं, इनको सामान नहीं मिलता। भूखे मर रहे, मेरे घर में मेरे घर में दो लोग और हैं, एक आकाश और एक पापा, बट इनको इतना वो नहीं है कि जाके सामान लेके आ जाए, वही वाली बात है, गंदी आदत डाल दी ना बचपन से, फिर बाद में जाके वो आपको ही भुगतना पड़ता। मैंने डाल दी ना तुम्हारी गंदी आदत की, सामान वामान लाना, सारे काम करना, अब भैया बुढ़ापे में भुगत रहे हैं इनको, अब क्या करें, मजबूरी है, बूढ़ा ही हो गया मैं, बीमार रहने लग गया, अब तो आखिरी टाइम है बस। तेरा माल खाता फिर भी तो बीमार रहता है, तो माल तो तुम जब सारे दिन कुत्तों की तरह काम करवाओगे तो फिर क्या फायदा इतने खाने से, काम तो करना पड़ता है, हम भी तो करते हैं। हाँ, काम करना ही पड़ता है, सही बात है। चलो गाइस घर चलते हैं, तो आप भी अपने घर वालों को इसी तरह सामान दिला के लाया करो, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ हो चाहे मर जाओ, लेकिन अपने घर वालों की हेल्प करो, मस्त एकदम। और चलते हैं अब घर, घर बोल रहा है कुछ बीमार नहीं हो रहा। अरे मम्मी सब ड्रामा इसके, ऐसे है हल्का फुल्का, तो नरक नरक में जाओगे आप, नरक में। मैं इतनी बुढ़िया हो रही हूँ, मैं नहीं। अब आपको पता है आप नरक में जाओगी, आपके सामने मैं कल से कितनी गोलियां ले चुका हूँ, आप कह रही कुछ नहीं हो रहा। अब वो तो तुझे पता, नरक में जाऊंगा। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो फिर, मेरे को बुखार नहीं हो रहा। ले रहा कर, मैं भी ले रही हूं। तो गोली कौन लेता, वही तो लेता, इसको बुखार होता है, मुझे भी है बुखार। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए मेरी माँ किसी भी हद तक जा सकती है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस देखो मैं यहाँ पे सूप पी रहा हूँ और सामान लेने के बाद मम्मी यहाँ पे खा रही है कचौड़ी, और अभी हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं और अब हम घर पे जाएंगे, और घर वालों को पता नहीं है कि अभी हम बाहर अपना मस्त कुछ खा रहे हैं। तो मैं और मम्मी ने सोचा कि हमने जब इतनी मेहनत करी तो क्यों ना बाहर कुछ लजीज खा के घर पे जाया जाए, और मम्मी की फेवरेट है रोड साइड वाली टिक्की। हाँ इसके साथ आपको वो गैस पाइपलाइन ही फ्री दे, सिलेंडर भी देते हैं आपको, है ना, ये कह रही है वो पहले हम गैस लाया था नहीं आता पापा, वो गैस तो फ्री आता है, कोई चूल्हा जलाने का रेगुलेटर फ्री आता है, पहले नहीं आया था हमारा मतलब, ये तो कुछ भी कह सकते हो पागल आदमी, कोई उसका
लड़ाई होगी। अरे मजदूर का हाथ काटिया, लोहा पिघला कर आकार बदल देता है। आराम से इसमें और भी सामान है, टूट जाएगा तेरी बिस्कुट टूट जाएगी।